नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः इस सुंदर सी सुहावनी सुबह में आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। एक ऐसा कार्यक्रम जो हमारे तन मन जीवन को सुंदर और खूबसूरत रंगों से भर रहा है, इसीलिए प्रतिदिन आप सब इंतज़ार करते हैं कि आज कौन कौन सी सुंदर बातों से हम रंगने जा रहे हैं। और शुरुआत हमेशा हम करते हैं सुंदर सुवाक्य से, लेकिन आज के सुवाक्य से पूर्व मित्रों एक सुंदर सा प्रसंग। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा कि इंसान की कौन सी आदत बड़ी अजीब सी है। प्रभु ने कहा कि इंसान की एक आदत है कि जो उसे प्राप्त है उसे छोड़कर वो अप्राप्त के पीछे भागता रहता है और प्राप्त के सुख से वंचित हो जाता है। तो मित्रों, इस बात पर हम ज़रूर गौर करें, जो हमें ईश्वर ने दिया है उसका आनंद लेते हुए ज़रूर अप्राप्त के लिए पुरुषार्थ करें, लेकिन खुशी खुशी और संतोष के साथ। कुछ ऐसा ही है आज का सुंदर सुवाक्य, आइए सुनते हैं। जीवन कितना लंबा होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, पर जीवन कितना अच्छा होगा ये हम तय करते हैं। जीवन के कुछ पहलू हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। दूसरे लोग कैसे सोचते हैं या व्यवहार करते हैं इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब मैं हर परिस्थिति में सकारात्मक प्रतिक्रिया चुनता हूँ तो मेरा जीवन सुंदर हो जाता है। तब हम सुंदरता और लंबी उम्र जैसे नाशवान पहलुओं के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं होंगे। तो हमारा जीवन बेहतर हो ये हमें तय करना है और उसके लिए हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना है। मित्रों, कई बार जीवन की यात्रा में हम जब भारी हो जाते हैं, मन भारी हो जाता है, तो अपने नियर और डियर वंस के साथ शेयर करके या फिर ऐसे ही सुंदर विचारों को सुनकर हम हल्के हो जाते हैं। लेकिन यदि तन भारी हो जाए तो उसके लिए भी हम बहुत प्रकार के यत्न करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। और आजकल तो ये शरीर का भारीपन कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है और परेशानी का सबब भी बन रहा है। आज हम आपके लिए एक बहुत सुंदर सा तरीका लेकर के आए हैं कि ड्राई फ्रूट भी खाकर आप अपने वजन को कम कर सकते हैं। कितना अच्छा है ना, आइए सुनते हैं। ओम शांति, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आजकल बहुत ही वेट कॉन्शियस हो गए हैं सभी। हम चाहते हैं हमारा वेट कंट्रोल में रहे, हम सदा स्लिम दिखाई दें, स्मार्ट दिखाई दें, हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो। और इसके लिए कई बार देखने में आया कि लोग नट्स जो हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स जिसे हम आम भाषा में कह देते हैं, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, मूँगफली, इवन उनको उसको भी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि वो समझते हैं इसमें फैट ज़्यादा होता है तो हमें नुकसान होगा। ऑन द कंट्ररी, ये देखने में आया है, एक स्टडी, एक लार्ज ऑब्जर्वेशन स्टडी पब्लिश हुई और उसमें पाया गया जो लोग कम मात्रा में नट्स खाते हैं उनको अधिक हार्ट की बीमारी होती है, डायबिटीज़ होती है और अधिक उनको कैंसर की बीमारी होने के चांसेस भी रहते हैं। उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्पेशली गुड कोलेस्ट्रॉल, कम हो जाता है जिससे हार्ट डिजीज़ के रिस्क बढ़ जाते हैं। और वैसे जितने भी नट्स हैं वो उनमें कोलेस्ट्रॉल लगभग ना के बराबर होता है और ये इसमें पैक्ड रहते हैं प्रोटीन से और फाइबर बहुत होता है इसके अंदर, पोटेशियम बहुत रहता है, कैल्शियम भी रहता है और बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स भी रहते हैं। तो दोस्तों, आप एक इनफ अमाउंट ऑफ, जैसे आप 10 बादाम, 2 अखरोट, 2-3 पिस्ता, 2-3 काजू रोज खा सकते हैं और इससे अगर आप इसको भिगो करके खाएं तो बहुत अच्छा है। सुबह सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप ये लें तो बहुत अच्छा रहेगा और इससे आपको हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, मोटापा और बहुत सारी विटामिन डेफिशिएंसी, स्पेशली हार्ट पेशेंट्स को पोटेशियम की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, तो मैग्नीशियम और पोटेशियम अच्छी मात्रा में इससे मिल जाता है। और दोस्तों, एक याद रखें, इस ज़रूर खाएँ किंतु साथ में मेडिटेशन भी करें, क्योंकि मेडिटेशन मेडिकेशन जैसा काम करता है। ओम शांति। आध्यात्म सचमुच हमारे देश की नींव, हम सबके जीवन का आधार, जिसे जुड़कर आत्मा कितनी सुकून का अनुभव करती है, शांति का अनुभव करती है।
इसी संस्कार और संस्कृति को हमें आगे लेकर के चलना है। कहीं ना कहीं भौतिकता की दौड़ में ये थोड़ा धूमिल हो गया है, लेकिन हम इससे जुड़कर अपने जीवन में श्रेष्ठता की ओर और सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं, जैसा कि हमारे विशिष्ट जन अपने अनुभव में शेयर करते हैं। आज हमारे साथ हैं करण देव कंबोज जी, जो हरियाणा के भूतपूर्व मिनिस्टर रह चुके हैं। वो भी इस बात को बहुत गहराई से अनुभव करते हैं कि आध्यात्म हमारी आत्मा है, आध्यात्म ही हमारी उन्नति का माध्यम है। मुझे इस बात की बड़ी प्रेरणा मिली जो मैंने बहनों के मुख पर जो तेज देखा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर जो था जी, बड़ा जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उनके अंदर जो है इस प्रकार का कि हमने जो है इस उद्देश्य को प्राप्त करना है, हमें परमात्मा से मिलना है, तो आत्मा का परमात्मा से मिलन ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम उस परमात्मा से अपनी आत्मा के अगर हमारे कनेक्शन जुड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो है जो हमारे अंदर विकार होते हैं वो सब जो है उससे धुल करके अपने देश के, अपने परिवार के, अपने प्रदेश के लिए हमारे लिए एक प्रेरणा का मार्ग बनता है। मित्रों, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर अलग अलग प्रोफेशन को चुनने के लिए हमारे पास कितने सारे विविध प्रकार के सिलेबस हैं, विविध प्रकार के पाठ्यक्रम और बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। क्या अच्छा इंसान बनाने वाला भी कोई सिलेबस है? क्या अध्यात्म को स्पष्ट करने वाला और जीवन को आध्यात्मिक रंग से रंग कर सुकून और शांति की ओर ले चलने वाला भी कोई सिलेबस है? हमें विचार करना चाहिए इस बात पर, क्योंकि इसकी तो सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और इसी आवश्यकता की पूर्ति ब्रह्म कुमारीज कर रही हैं, क्योंकि ये आत्मा की नीड है और उनके इसी सेवा कार्य को हम हमेशा देखते हैं पीस न्यूज हाइलाइट्स में। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 जनवरी को ब्रह्म कुमारी संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू से आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर राष्ट्रीय अभियान का आगाज किया था। इसी राष्ट्रीय अभियान के चलते महाराष्ट्र में इस थीम का लॉन्चिंग कार्यक्रम गवर्नर हाउस में संपन्न हुआ, जहां महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने अपने व्यक्तित्व में सरकार द्वारा चलाए जा रहे बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अभियान का जिक्र करते हुए कहा, हमारे प्रधानमंत्री तो आजकल कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर आपके परम पूज्य संस्थापक जी ने तो आज से 85 साल वर्ष पहले ही सोच लिया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। तो एक प्रकार से आज हमारे प्रधानमंत्री जी उसी मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान में महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जोन की प्रभारी बीके संतोष, घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके नलिनी, मुलुंद सब जोन प्रभारी बीके गोदावरी, बोरीवली ईस्ट के प्रभारी बीके दिव्या प्रभा, मुंबई विलेपार्ले सेवा केंद्र के प्रभारी बीके योगिनी, बीके मीरा समेत मुंबई की सभी वरिष्ठ ब्रह्मा कुमारी बहने उपस्थित थे। परमात्मा पिता हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं, समझानी देते हैं कि अगर आपको स्वतंत्र होना है और सारे विश्व को और खास भारत को स्वतंत्र करना है इससे, तो उसके लिए आप अपने कमियों का बलिदान दो। कार्यक्रम के समापन में माननीय गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने पूरे भारत में शांति का संदेश फैलाने की शुभकामना व्यक्त करते हुए बाइक रैली का फ्लैग ऑफ किया। मित्रों, आध्यात्म की एक सुंदर परिभाषा किसी ने दी, उसे सुनाते हुए ही आज मैं आपसे विदाई लूंगा। उन्होंने कहा, अध्यात्म अर्थात केवल 3 शब्द, शुक्राना, मुस्कुराना और किसी का दिल ना दुखाना। शुक्राना उस ईश्वर का, उसने जो भी मुझे दिया दिल से शुक्रिया, जो प्राप्त है उससे मैं संतुष्ट हूँ, जो आपने दिया उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और इस शुक्रिया के साथ मुस्कुराते हुए औरों को भी मुस्कान देना और किसी का दिल ना दुखाना।
औरों को सुकून देना, सुख देना, सहयोग देना, यही तो अध्यात्म है और यही भारतवर्ष में सदियों से चला आता रहा है। क्यों ना इस परंपरा को हम पुनः शुरू करें और एक अध्यात्म की धारा, एक सुकून की धारा, खुशी की धारा पूरे भारतवर्ष में हम फैलाएं। अपना ध्यान रखिएगा, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।